वेलकम टू संडे श्लोका। संडे श्लोका में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह हमारा हर श्लोक किसी एक पहलू के साथ जुड़ा होता है। आज का जो श्लोक है वो हमारे लाइफ के या जिंदगी के एक बहुत अहम पहलू के साथ जुड़ा हुआ है और अगर मैं ये कहूं कि शायद ये हमारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू के साथ जुड़ा हुआ है तो वो गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ठीक सोचा, वो है हमारा स्वास्थ्य। और हम सभी को पता है कि जान है तो जहान है और ये जानते हुए भी हम उसी चीज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और हमें सिर्फ या तो कोई ऐसे छोटे मोटे कारण सुनने को मिलते हैं या बहाने सुनने को मिलते हैं कि मैं इस वजह से नहीं स्वास्थ्य का ख्याल रख सकता या रख सकती। और आप खुद देखिए कितनी बार हमको देखने को मिलता है ऑफिस जाते हुए लोग एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, दूसरे हाथ से सैंडविच या पराठा खा रहे हैं, या लंच का वक्त हो गया है और ऑफिस में कॉल पे कॉल चलती है, मीटिंग पे मीटिंग चलती है और लंच का टाइम आगे बढ़ते जाता है। लोग 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3 बजे लंच खा रहे हैं और इस सारी चीजों का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आपको मालूम है अच्छा असर नहीं पड़ता है। और यदि हमारा मानसिक और शारीरिक और मैं कहता हूं आध्यात्मिक स्वास्थ्य अगर ठीक होगा तो उसके बाद सब कुछ मुमकिन है। हाय, दिस इज सुमन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फैसिनेशन, ऑल थिंग्स फैसिनेटिंग अबाउट नॉलेज, लर्निंग, म्यूजिक एंड आर्ट एंड द डॉट्स दैट कनेक्ट देम। प्लीज लीव अ थम्स अप आफ्टर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक्स। टुडे श्लोक इज परहैप्स और अदर इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड दैट इज आवर हेल्थ। वी ऑल नो सो मच अबाउट हेल्थ, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, एंड येट दैट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। I'm reflecting on the pre-COVID era and the current work from home scenario. And in the pre-COVID era, one saw, you know, people rushing to office, perhaps skipping breakfast and, you know, eating while driving, late lunches, late dinners, and all impacting their health. Likewise, work from home started. Probably initially, things were okay. But now one has heard again that Zoom call after Zoom call after Zoom call is interfering again with your eating routines and your health routines. So again, it's no rocket science. If you have a healthy mind and a healthy body and spiritually also if you're doing well, then everything is going to work for you. If not, then the exact opposite is going to happen. Right? So having said so much, let's dive straight into the shlok. So aaj ke shlok mein, मैं आपको सिर्फ श्लोक नहीं बताऊंगा, श्लोक के अलावा मैं आपको 10 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जो आपको एक्सरसाइज से मिलेंगे। सो इन टुडे श्लोक, अपार्ट फ्रॉम रिसाइटिंग द श्लोक एंड एक्सप्लेनिंग इट, आई विल आल्सो बी शेयरिंग विथ यू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो श्लोक इस प्रकार से है, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम्, दीर्घायुष्यम् बलम् सुखम्, आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। तो श्लोक ये कहता है, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम। तो व्यायाम एक्सरसाइज करने से हमें 4 चीजों का लाभ होता है। सबसे पहले स्वास्थ्य, और जब मैं स्वास्थ्य कहता हूं तो उसमें दोनों मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है। दूसरा है दीर्घ आयुष्य या लंबी आयु। तीसरा है बल यानी शक्ति, और चौथा है सुख। तो इन 4 चीजों का हमें लाभ मिलता है और मैं थोड़ा विस्तार में आपको बताऊंगा स्वास्थ्य के बारे में। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक द्रव्य या हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं और वो उनका नाम है डोपामिन और एंडोर्फिन्स। लेकिन ये 2 चीजें जो हैं, ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करते हैं। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है और
शरीर भी ठीक है तो ओवरऑल स्वास्थ्य बहुत अच्छा माना जाएगा। और जब वो ठीक होगा तो हमारी आयु लंबी हो सकती है, दीर्घायुष्य। तीसरा, एक्सरसाइज करने से हमारे जो मसल्स होते हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। और जब ये सारी चीजें होंगी तो अंत में एक सुख का भी लाभ मिलेगा। श्लोक आगे ये कहता है, आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधना। इसका मतलब है कि हमारा आरोग्य यानी कि मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो वो परम भाग्य है, इससे ऊपर और कोई भाग्य नहीं हो सकता। अगर वो है तो आगे सब कुछ मुमकिन है, सर्वार्थ साधना। सो द श्लोक सेज, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम, विच इज टू से दैट बाय डूइंग एक्सरसाइज वी गेट फोर बेनिफिट्स। स्वास्थ्यम मीनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दीर्घायुष्य मीनिंग अ लॉन्ग लाइफ, बलम मीनिंग स्ट्रेंथ एंड सुखम मीनिंग हैप्पीनेस। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी एक्सरसाइज, एसेंशियली आवर ब्रेन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम एंड दीज आर मेनली टू हार्मोन्स, फर्स्ट इज डोपामिन एंड द सेकंड आर एंडोर्फिन्स। नाउ दीज टू टुगेदर एक्चुअली मेक अस फील वेरी गुड, लाइवली एंड हैप्पी। इट फर्दर गोज ऑन टू से आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, मीनिंग आरोग्य एंड स्वास्थ्य दीज टू, इफ मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल हेल्थ इज गुड देन इट इज परम भाग्यम विच इज द बिगेस्ट बून और ब्लेसिंग दैट वी कैन गेट, एंड इफ दिस इज देयर देन दैट इज द मीन्स टू अ वेरी गुड लाइफ। सो हियर आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के 10 सबसे बड़े लाभ, नंबर 1 वेट मैनेजमेंट, नंबर 2 प्रोटेक्शन फ्रॉम डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, नंबर 3 बूस्ट टू इम्यूनिटी, नंबर 4 इंप्रूवमेंट इन बोन्स एंड मसल्स, 5th बूस्ट टू मेंटल हेल्थ, 6th बूस्ट टू एनर्जी लेवल्स, 7th वेरी इंपॉर्टेंट मोर क्वालिटी स्लीप, 8th इज इंप्रूविंग आवर मूड्स, नंबर 9 इज रिलीफ फ्रॉम फिजिकल पेन, सर्टन काइंड्स ऑफ पेन, एंड लास्ट नंबर 10 बट नॉट द लीस्ट, हेल्थियर स्किन। सो हैविंग सीन दीज 10 बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सरसाइज, आई एम श्योर वी कैन टेक आउट एटलीस्ट 35-40 मिनट्स ऑफ टाइम ऑन अ डेली बेसिस टू स्पेंड ऑन एक्सरसाइज। 30-35 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी गुड हेल्थ। आई लव टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, सो प्लीज लीव योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन।